स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे, संगी हो जिसे आप मन जानता हूं। बैठका के मंच ऐसे मंच है जिसमें अपन छत्तीसगढ़ के बात करते हैं, अपन प्रदेश के बात करते हैं, अपन संस्कृति अपन रीति नीति की बात करते हैं, अपन प्रदेश से जुड़े हुए एक मुद्दा के बात करते हैं। मुद्दा ऐसे रखते हैं जगह सरकार प्रदेश के आम मन से रहा है, प्रदेश के हर वर्ग से रहा है, ऐसे मुद्दा जगह से हर वर्ग किसी कोई न कोई प्रकार से प्रभावित होते हैं। ऐसे मुद्दा में अपन बोली में अपन भाषा में हम उन सब पक्ष से बात करते हैं, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से और साथ ही संबंधित पक्ष से, जिन्हें से विषय विशेषज्ञ मन के तमाम चर्चा के माध्यम से प्रयास ये करते हैं कि मुद्दा के एक सार्थक निष्कर्ष में हम वहां पहुंचे। आज के मन मुद्दा रखे हैं चुनाव के माहौल में कर्मचारी हड़ताल के मूड में। तो केंद्र के समान महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति और अन्य मांग मल लेके प्रदेश के हजारों कर्मचारी मन एक बार फिर हड़ताल के मूड में हैं। कर्मचारी मन का कहना है कि कांग्रेस सरकार में आए के लिए पहली कर्मचारी मन से वेतन विसंगति और नियमितीकरण जैसे वादा करे रही है, लेकिन कई बार मांग रखे के बावजूद कोई सुनवाई इस सरकार में नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश समेत देश के लगभग सब राज्य में केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन अभी भी 9% महंगाई भत्ता कम है। एक अलावा मकान भाड़ा समेत कई से मांग है जो लंबा समय से लंबित है। कर्मचारी मन तमाम मांग मन लेके 10 जून के तमाम संगठन मन के एक बैठक बुला है, उसके बाद एक अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाए के कर्मचारी मन फैसला ले सकते। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के 105 मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का एक प्रतिनिधि संगठन है। प्रदेश के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में हम 4 सूत्री मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम चाहते हैं कि जो 14 सूत्री मांग को लेकर जो सिंगवा कमेटी बनी थी, सिंगवा कमेटी सरकार को शीघ्र रिपोर्ट सौंपे। इसके अलावा जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 4 स्तरीय पदोन्नति मांग, उसका भी समाधान शीघ्र हो। इसके अलावा हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ता मिले और प्रदेश के कर्मचारियों को 7 वेतनमान के अनुरूप गरीब भाड़ा भत्ता मिले। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को छला और ठगा है। आने वाले 10 जून से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। महंगाई भत्ते और उन्हें जो किराया भत्ता मिलता है उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। पटवारी पहले से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जो अन्य कर्मचारी हैं जिनकी संख्या 45,000 है, वो नियमितीकरण के लिए 21 जून से हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं। देखिए, सामान्य घटनाक्रम है, जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत सारे संगठन के लोग चाहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, लेकिन यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमारी सरकार तो लगातार हर वर्ग के लिए निर्णय कर रही है। सहकारी समितियों की संख्या भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है, उनके मानदेय को बढ़ाया है। तो भूपेश बघेल जी लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रहे हैं। ऐसे में मेरा इन संगठन के लोगों से आग्रह है कि आंदोलन के बजाय सरकार का सहयोग करें, निश्चित तौर पे आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। सबके अलग अलग तर्क है। एक तरफ जहां कर्मचारी मन है सरकार के रवैया से निराश है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा विपक्ष के भूमिका निभाते हुए सरकार पे हमलावर है। लेकिन सरकार के ये कहना है, कांग्रेस संगठन का ये कहना है कि भाई ये सरकार में जिन आंदोलन करे जाते हैं वो केवल और केवल चुनावी समय में उनका लाभ लेके तरीका है। उन्हें मतलब निश्चित रूप से कहीं न कहीं कर्मचारी मन के जो हड़ताल है ओला कहीं कहीं से अवैध ठहरा के और जो निश्चित समय सीमा है, जिन समय के मांग है अवसर पे मौका बिचौका मांगे के एक आरोप कर्मचारी मन ऊपर भी लगाते हैं। तो कतेक आरोप ये सही है और क्या वाकई में कर्मचारी मन के मांग जायज न जायज है, तमाम मुद्दम बात कर दो। 3 खास पौना हमारे संग चंद्रशेखर तिवारी जी है, प्रवक्ता है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के छत्तीसगढ़ के और हजारों कर्मचारी मन के आवाज है उमन है। हमारे संग में देवलाल ठाकुर जी है। देवलाल ठाकुर जी भाजपा के पक्ष रखते, तर्क समेत अपन बात रखते और हमारे संग नितिन भंसाली जी है, कांग्रेस संगठन के तेज तर्रार, मजबूत और विश्वसनीय आवाज। आप सभी पौनमन के बहुत बहुत स्वागत है।
चंद्रशेखर तिवारी जी, शुरुआत आपे मन से भाई। एक तरफ लगातार सरकार के दावा है कि जितना नियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, ओकर मन के जन है वो तमाम मांग पूरा करेगी, ओमन लजन है वो नियमित करेगी, संविदा है चाहे शिक्षा कर्मी है, तमाम जन वादा पूरे करेगी। दूसरी तरफ अभी भी आपन के आरोप है सरकार के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर, कि आपन के मांग लंबित है और आपन के तरफ से सरकार उदासीन है। का मांग है, कौन कौन समय में आपके सरकार से चर्चा हुआ है और कतक जायज है, ये मांग आपसे जानना चाहता हूं। तिवारी जी जी, देखो हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जी लगातार प्रदेश के अमर 5 लाख कर्मचारी अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के मांग लेके पिछले दिनों एक मजबूत हड़ताल करे गिर थे जी। वो हड़ताल के बाद में सरकार के साथ में हमारे बातचीत भी हुई थे। वो बातचीत के में हमारे शासन के वरिष्ठ मंत्री माननीय रविन्द्र चौबे जी के मध्यस्थता में हमन वो हड़ताल ला स्थगित करे रहे और हमर केंद्र के समान दे दिनांक से 9% महंगाई भत्ता, 1/1/2016 से रुके हुए हमर मकान भाड़ा भत्ता, पिंगवा कमेटी की रिपोर्ट, अलग अलग हमर संवर्ग के वेतन विसंगति के मामला है जिला मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगवा जी के अध्यक्षता में गठन करे गए है। उमा हमर फेडरेशन के साथ में 3 दौर के हमारे वार्ता उखर दस्तावेजी सारा चीज उखर हो चुके हैं, बावजूद उखर रिपोर्ट सरकार ने नहीं दिए गए। एक अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमारे 4 स्तरीय वेतनमान के जिन बातला उमर रखे गए तेला पूरा नहीं करे गए है। ये कुछ प्रमुख मांगला जिन अपन कर्मचारी अधिकारी के अपन वेतन के जिन हिस्सा है ओला पूरा हम मांग हम रखा था और लगातार ये बात ला लेके सरकार तक अपन बात ला पहुंचावा था, बावजूद होकर हमार बात ला सरकार नहीं सुना थे। कहीं ना कहीं एक जो मजबूत हड़ताल जिन हो रही थे 12 दिन के उमा माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के जिन अपील आई थे कि जनता जिन तकलीफ हुआ थे तिन पाए की हड़ताल स्थगित करना चाहिए, हमन तत्काल निर्णय करें और मुख्यमंत्री जी को बात ला हमन समझेन और हड़ताल ला स्थगित करके हम ये विश्वास रखें कि सरकार हमार मांग ला पूरा करी। बावजूद होकर आज हमारे मांग पूरा होते नहीं दिखा थे तेखर पाए के हमला ये आगे के हमारे रणनीति अमल बनाए के आवश्यकता पड़ा थे। लेकिन तिवारी जी, जो आप पहली परिस्थिति बता कि भाई मुख्यमंत्री जी की अपील दी से कि जिन तमाम काम प्रभावित हुआ थे, अब तो ज्यादा होकर से जिन्हें हम पीक अवसर में बैठे हुए हैं, अब 4 महीना बाद चुनाव है, ऐसे समय में अगर कर्मचारी मन है चुनाव के समय में हड़ताल करी तो निश्चित रूप से आरोप तो आप मन कर रहे थे कि आप मन अवसरवादी हो, अवसर देख के आप मन सरकार के ऊपर दबाव बनाया था। नहीं, अवसर के बाद एमा नहीं है शैलेश भाई, एमा ये हम कह सकते हैं कि हमन तो सरकार के बात ला मान के हमन तो हड़ताल ही स्थगित करे रहे हैं। हमारे लिए ये कहे कि इसके भाई आपके मांग ले पूरा कर दिए जाए, पहले आप हड़ताल समाप्त करो, स्थगित हमन करें एक पाए के हमारे हड़ताल ला और अवसरवादी वाले विषय एक पाए के नहीं है। हमन तो सरकार के बात ला मान के हड़ताल स्थगित करें, हम जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी के जिन अपील है तेखर आधार पे वाकई हमन ला भी लगी कि जनता मन ला तकलीफ हुआ थे, हमन ला एला रोकना चाहिए और सरकार कहा थे अगर तो विश्वास है हमन ला। तो हमारे यही कहना है कि जब हमारी घोषणा सरकार के द्वारा जब हो रही थी कि हम पूरा करबो तोला पूरा करना चाहिए, अवसरवादिता के कोई विषय नहीं, मैं समझता हूँ शैलेश भाई। हमा नहीं तो आपने नहीं लगा तिवारी जी, एक सवाल हो कि आपने नहीं लगा कि बिना सरकार से आप चर्चा किए एक बार कम से कम चर्चा हो जाए सचिव स्तर पे कि जे भाई आप मन वादा कर रहे हो, मुख्यमंत्री स्तर पे वादा हो रही से कि आप मन के मांग पूरा कर जाए, तो अब आप मन मांग पूरा नहीं करा तो अब हम हड़ताल में जाए पर मजबूर है, इसे कोई चर्चा हो के बाद ही निर्णय ले जाए हड़ताल के। एक बारे में मैं आप लोग बताना चाहूँ शैलेश भाई कि हम ये बात में लेके हम विधिवत तरीका से ही हम ये क्रम हमारे आगे बढ़ा थे। हम माननीय मुख्य सचिव जिला भी हमें बात के हम ओवला मांग पत्र के और ये सब सारे स्थिति जिन मैं आपके सामने जिक्र करे हूँ तेला मैं वहाँ मन वहाँ दिए जा चुके हैं। बावजूद होकर हमन अभी एक और डिसीजन ले हन हमारे फेडरेशन के पिछले दिनों बैठक में ये नंबर 3 मार्च और 18 मार्च हमारे विधानसभा सत्र के दौर में भी हमन अपन ये बात ला सरकार के सामने हमन लाए हन और तमाम प्रदेश के ब्लॉक तहसील और जिला मुख्यालय में एक प्रदर्शन करके सरकार ला हमन ज्ञापन ला भी सौंपे हैं। बावजूद आज अब मार्च के बाद में अप्रैल और मई भी खत्म हो गया, अभी जून के महीना आगे और हमन एमा एक टन और निर्णय करे हैं कि हमन जतका जनप्रतिनिधि है, हमारे माननीय मंत्रीगण है, हमारे संसदीय सचिव है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, हमारे जनपद के अध्यक्ष है, तीन मन ला भी हमन ई 4 सूत्री मांगला के भाई आप मन माननीय मुख्यमंत्री जिला हमारे मांग के समर्थन के समान आपन पत्र लिखो। हमन एक क्रम भी हमारे चलत है जे नंबर 30 तारीख तक के क्रम के भी हमन एक प्रक्रिया हमन करे हन। अब ओखर बाद में भी सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेवत है तो निश्चित रूप से हमार एक फेडरेशन के एक विशाल हमार फिर से बैठक होने वाला है जे हमार तमाम हमार ब्लॉक तहसील जिला के हमार संयोजक के हमार और प्रांतीय संयोजक की उपस्थिति में हम आगे के रणनीति और आंदोलन की रणनीति के बारे में हमारा एक निर्णय होने वाला है। शैलेश भाई
तो बिल्कुल निश्चित रूप से तिवारी जी कहने की लगातार मांग बढ़ रही, जिन मंसाली जी अपन सुनत रहे हो लगातार कर्मचारी मन के, अभी पिछले 12 दिन तक हम के लगातार हड़ताल हुई, तमाम काम काज ठप हुई, आप मन भी देखे हो, तमाम सरकार की तरफ से अपील भी आई, आप मन के बात भी मान ली, लेकिन ये सबसे बड़े बात ये है मांग उचित है अनुचित है एक बात नहीं है पंसाली जी, सवाल ये है कि आखिर सरकार चर्चा काबर नहीं करे कर्मचारी मन से। पटवारी मंडल आज बैठे हुए हड़ताल में 20 दिन हो गए, आपके 9 तारीख से आपके तमाम 108 102 एम्बुलेंस से कर्मचारी हड़ताल में चल रही, अनियमित कर्मचारी मन 12 तारीख से हड़ताल में चल रही, अधिकारी कर्मचारी संगठन के 15 संगठन ने ज्यादा हजारों कर्मचारी मन 10 तारीख से हड़ताल में चल रही, आखिर सरकार चर्चा काबर नहीं करना चाहे पंचाली जी, वो सवाल आपसे। सरकार निरंतर कर्मचारी मन के संपर्क में है, ये बात मैं बिल्कुल सीधे से खारिज कर दूं कि सरकार चर्चा नहीं करे, सर्वजन हिताय एंड सर्ववर्ग सुखाय, हमारी सरकार जो है भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये मन से वहां काम करते हैं। मैं हाँ कर्मचारी भाई मल्ला जीवन हमला बोला बहुत पार्टी रहा टीवी पर देखा थे, मैं पार्टी के पक्ष रखता हूँ, तो उमन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भैया शांति धैर्य रखो, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश बघेल जी के सरकार के ऊपर में आप मन भरोसा करो, निश्चित तौर पर जे जायज मांग होगी वो मांग आप मन के बिल्कुल होगा, सरकार संवेदनशील है और जे भी निर्णय हुई आप मन के हित में होगी, पर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन और ये जिन भारतीय जनता पार्टी मन के नेता मन कहते थे ये हड़ताल होते हैं, तो ये सबसे पहले तो ये महंगाई भत्ता के जिन बात होते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँ कि महंगाई बढ़ाते कौन कौन हम महंगाई बढ़ाते भैया, ये मन देखो ये पेट्रोल डीजल गैस ये सब मन के रेट बढ़ाते तो महंगाई वो मन बढ़ाए और भत्ता हम दे तो दो बार भत्ता ना बढ़ाए हम, ये भी मैं आप लोग बता दूं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल जो दिशा देमा ये 33% नहीं मिला थी अभी मिलाते हैं, और भूपेश बघेल है हमारे मुख्यमंत्री है माननीय मुख्यमंत्री है ये वादा करे है कि अमन बढ़ा तो बढ़ा है जस्ट दो बार इसमें और भी बढ़ाई, पर आप अपना तैयार रखना हुई कमेटी बने हैं, कमेटी अपन कामला करते है चुनाव सर पर है, ये भारतीय जनता पार्टी वाला मन के बात में आकर कोई नेता की शिकार आप मन हो काबर के मुख्यमंत्री जी है संवेदनशील है और आप मन के हित में तीन सवाल है भंसाली जी आपसे, तीन सवाल है। पहला सवाल भाई केंद्र जैन महंगाई भत्ता दे ओकर बराबर आपके राजस्थान के कांग्रेस सरकार वहां पे भत्ता महंगाई भत्ता देवत है, गैर भाजपा शासित बिहार सरकार गैर वहां भी महंगाई भत्ता बराबर मिला थे, गैर भाजपा शासित झारखंड वो भी महंगाई भत्ता बराबर देवत है, गैर भाजपा पूरे साउथ के तीनों स्टेट उमन भी आपके महंगाई भत्ता बराबर देवत है, तो उमन काबर इतना आपत्ति नहीं, हमला इतना काबर आपत्ति की भी भाजपा महंगाई भत्ता बढ़ाए तो हम वो बड़े हुए महंगाई भत्ता नहीं दे, पहला सवाल। दूसरा आपन केवल धैर्य रखना चाहिए, 4.5 साल हो गए भंसाली जी धैर्य रखे, कर्मचारी आपके भरोसा करे आपके मुख्यमंत्री जी के ऊपर, अभी भी 12 दिन पहले जब हड़ताल उमन खत्म करे तब भी आपके ऊपर ही भरोसा करी कि चलो मुख्यमंत्री जी कहा थे कांग्रेस सरकार कहा थे हम भरोसा करते महंगा वो खत्म करते, लेकिन जो बताओ आप मन की चर्चा के बाद मुख्य सचिव स्तर पर लगातार पत्रबाजी हुए थे, वहां पे लगातार सचिव स्तर पर पत्रबाजी हुए थे, अभी तक कर्मचारी संगठन से कोई एक सिंगल बैठक हो का भाई आप इस बात में कहे हो कि वो राज्य में अपना भत्ता मिलते वो राज्य में अपना भत्ता मिलते, तो एक बात मैं आप लोग बता दूं जिन कोरोना काल जी से ईश्वर कोरोना काल ये खाली प्रदेश व्यापी नहीं देश व्यापी नहीं विश्वव्यापी समस्या रही से महामारी रही से, ऐसे महामारी में जो लॉकडाउन लगे रही से और क्या स्थिति रही से जन माल के आप अच्छे से जाना तो काफी रिपोर्टिंग करे हो आपके चैनल में बहुत अच्छे से दिखाया होगा, उस समय में भी राजस्थान में तो मध्य प्रदेश में तो बिहार में तो ये जेल राज्य है कर्नाटक में सब जगह कर्मचारी मन के वेतन कहीं 50% कहीं 60% कहीं 40% कटौती करे इससे, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है तब भी कर्मचारी मन के एक लाख सोचे और एक रुपया भी कोई कटौती कोरोना काल में नहीं करे। अब बात आते कि दूसरा प्रश्न आपके कार्य से धैर्य रखे के धैर्य के बात अगर आप कर दू तो ये भी बता दू आप सल्ला कि ये अमल तो बिल्कुल 36 वाद वाला लेके चले हैं और 90% वाद वाला सैलेश भाई पूरा भी करते हैं, पर ये जो 2 वर्ष अमल सरकार भाई जो कोरोना घुस के वायरस ये वायरस के वजह से जे पूरे देश में जे मैं तो कहे उनके विश्वव्यापी महामारी रहते तो इनमें कुछ काम अर्थव्यवस्था और सारी चीज बन जे रहते हैं थोड़ा अस्तव्यस्त हुए है, पर सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और बहुत जल्द कर्मचारी मन के हित में एक योग्य मांग हो ही निर्णय ले जाए, कर्मचारी मन से वो निवेदन है
धैर्य रखे और बिल्कुल संयम से काम करे। तो धैर्य रखे के सलाह है नितिन भंसाली जी के। देवलाल ठाकुर जी, महंगाई आप मन बढ़ाओ और भत्ता राज्य सरकार मन वहन करे, ऐसे कैसे हो सकते हैं? देखो, ये प्रदेश के जो हालात है ये समय, प्रदेश के मुख्यमंत्री के चरित्र ने समझे के स्थिति अवसर है जी। ये छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया आदमी मने, जब तक तितिर चतुर चरणी बतात में पूरा 100% छत्तीसगढ़िया कर्मचारी है ना, पूरा जतक छन हड़ताल में बैठे थे जी, कोनो बाहरी आदमी नो है। और छत्तीसगढ़िया हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंग रचते भूपेश है तो भरोसा है, अरे तो भरोसा टूट गए। पूरा आदमी हड़ताल में जाते ते है, थक गए है, से है कोनो एकर मन के पक्ष में काम नहीं कर सका था। और देह भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार करे से समय मिली तबे भी हमारे छत्तीसगढ़िया कर्मचारी मन सोचबे का, खुद कोयला में अपन मूल काला करा ले, गरीब मन के राशन ला खा ले, शराब में घोटाला कर ले, और ये छत्तीसगढ़िया कर्मचारी मन के बेटा मन तो भारतीय जनता पार्टी भंसाली जी, एक बार देवलाल ठाकुर जी बात पूरा हो जाने सन। ये कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ियों की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से ज्ञात हो रहा है, दिख रहा है। अरे कांग्रेसिया लोग, आप लोग समझो क्यों छत्तीसगढ़ियों को गुमराह कर रहे हो। आज छत्तीसगढ़ के बच्चे नौकरी नहीं लग सकते अगर तुम्हारे राज रहेंगे तो, हमारे बच्चे आज पीएससी जैसे पदों पर नहीं जा सकते अगर तुम भ्रष्टाचार ऐसी करते रहोगे तो। कोई भी कर्मचारी बना और एक चीज ना सुनो, अरे सुन सुन भाई, सब बात बने बनी बैठे ऐसे तुम से बोलते जीरो ठाकुर साहब के एक बार बात पूरा हो जाए। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन है, जब 2018 चुनाव हुई तक भूपेश बघेल के घर के कामर पर ऐसे कर देवे की ये मतलब सरकार बनाना दी से, ये मतलब भ्रष्टाचार करे पर सरकार बनाना दी से, लूट खसोट करे पर सरकार बनाना दी से, सोनिया गांधी पेट भरे पर सरकार बनाना दी से, गांधी परिवार के विकास करे पर सरकार बनाना दी से। ते पाए कि हमारे छत्तीसगढ़िया मतलब तुम्हें वादा करके आज तुम्हारा नियमितीकरण कर देंगे, महंगाई भत्ता दे देंगे, वेतन विसंगति दूर कर देंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कौन प्रकार से छत्तीसगढ़िया मन लूटा थे, छत्तीसगढ़िया मन के पैसा ला लूटा थे, छत्तीसगढ़िया कर्मचारी मन नहीं समझे थे, तोला महंगाई भत्ता दे बर तोर कर पैसा नहीं है, अपन भ्रष्टाचार करे पर पैसा है, तोला सोनिया गांधी पास पैसा पहुंचा पर पैसा है, कांग्रेस का कमेटी का पैसा दे पर अरे भैया छत्तीसगढ़ कर्मचारी नेता जी भी है आज दोनों कोने में, तो खैर थोड़ा विषयांतर हुआ था। विषय है हजारों कर्मचारी मन के बात, और केवल कर्मचारी मन के हड़ताल के बात नहीं है, विषय ये भी है कि जिन हड़ताल में जाही, अगर जिन प्रदेश के जिन तंत्र है, जिन प्रशासन तंत्र है, ओला चलाने वाला अगर हजारों कर्मचारी हड़ताल में चल दी, तमाम संगठन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े हुए, अगर वो हजारों कर्मचारी हड़ताल में जाए तो निश्चित रूप से न केवल प्रदेश से कामकाज प्रभावित हुई, बल्कि अवैया समय में 4 महीने बाद चुनाव है वो भी प्रभावित हुए। मैं चंद्रशेखर तिवारी जी आपन से पूछना चाहूँ, अभी नितिन भंसाली जी कहा थी से कि भाई धैर्य रखने की जरूरत है, सरकार के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, और मैंने उदाहरण भी दी कि चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, तमाम जन के कर्मचारी मन के मांग पूरे, चाहे आंगनबाड़ी के हो, चाहे मितानिन मन के हो, तमाम के जन मांग पूरा हुई, तो आप मतलब सरकार के ऊपर इतना अविश्वास काबर? और दूसरा,
आपन भी समझा था कि अगर काम ठप हुई, हजारों कर्मचारी जिन सभी विभाग के कर्मचारी आपसे मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य तमाम कर्मचारी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कामकाज ठप हुई तो जनता लोग पूरा नाम भुगतल पड़ी ना, जनता ने तो का नतीजा भुगतल पड़ी ना, जनता भुगती ना। देखो शैलेश भाई, जैसे भरोसा के बात लगातार जिन करे जाते हैं, हमन कहां भरोसा नहीं करत हन, और भरोसा करते करते तो आज 4.5 साल के समय व्यतीत हो चुके हैं, और निश्चित रूप से हम जिन मांगत हन सरकार से, कोई हम अलग चीज तो मांगत नहीं सरकार से कि एकर बोनस दिया जाए या कोई अन्य और अतिरिक्त कोई लाभ दिया जाए। जिन भी हमन बात करत हन तेन हमारे अपन वेतन के हिस्सा के हम बात करत हन, और लगातार अपन वेतन के हिस्सा ही अगर कर्मचारी मन नहीं मिल पाई, आज हमारे ऐसे कई हमारे कर्मचारी साथी है जिन लगातार वो सेवानिवृत्त भी होते हैं अपन समय अधिवासी का आयु पूरा करने के बाद में, जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो बिचार नौकर से पूरा पूरा वंचित हो जावत है। आज 1/16 से पिछला भाजपा सरकार के समय से, सातवें वेतन मान के समय से, जिन हमारे मकान भाड़ा भत्ता जिन रिवाइज होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाए। एक तो पिछले सरकार के समय भी नहीं हो पाई, ऐसे एक विश्वास ही से कि सरकार में हुई तेन वो आज तक नहीं हो पाए है, तो हमन बात का करत है ना मना। तो कुल मिला के हम सरकार से अपन वेतन के हिस्सा के ही हम बात करत हन, तो रही के बात भरोसा के, तो भरोसा तो हमन लगातार करत हन और आगे भी हम करबो, में कोई दो मत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा के अनुरूप हमर कर्मचारी मन की भी मांग अगर पूरा होते तो निश्चित रूप से हमला एक विश्वास भी तो सरकार के ऊपर होना चाहिए कि हाँ सरकार हमारे बात में भी सुनते, मांगला भी पूरा करते। एमें कोई अतिशय युक्ति नहीं है कि कुछ केडर संवर्ग के मांग भी सरकार के द्वारा पूरा करे गए है, एमा हमन सरकार के एक वृहद रूप में कार्यक्रम करके हमन आभार भी व्यक्त करे हन, और निश्चित रूप से हम ये चाहतन कि आज कर्मचारी जिन हमारे वेतन के हिस्सा, फिर मैं बात दोहराते हैं बात ला कि महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता जिन 16 से जिन लंबी थे ओला रिवाइज करे एक बात है। वेतन विसंगति हमारे कई हमारे संवर के हमारे साथी है, चाहे हमारे लिपिक साथी हो, शिक्षा कर्मी हमारे साथी है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारी पर्यवेक्षक मन है, अलग अलग प्रकार के जिन माननीय प्रमुख सचिव पिंगुआ जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये गठन करे गए है, तो सरकार ने अपन रिपोर्ट सौंप देना चाहिए, और रिपोर्ट सौंपे के बाद में सरकार वहां निर्णय ली, हमन इसके तो मांग करत हन, और घोषणा पत्र में जो सरकार जितका सारा मांग रखे हमन एक बात हम करत हन, 4 स्तरीय जिन पदों वेतन मान के जिन बात है वो सरकार ने पूरा करना चाहिए। हम हमार भरोसा हवे और मजबूती से हमार भरोसा है, हमें चाहतन के सरकार जिस प्रकार से आज तक हमारे मांगला पूरा करता है, समय रीते हमारी मांगला पूरा कर दे, हम वेतन के अलावा। तो भंसाली जी, भरोसा में कहीं कोई कमी नहीं है, चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे हैं भरोसा में कहीं कोई नहीं कमी नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन पहल तो हो सरकार की तरफ से। अच्छा, मांग भी कोई नाजायज मांग नहीं है, आपके ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपके सरकार के द्वारा ही जो कमेटी बनाई गई है वो रिपोर्ट जिन दे गए वो कमेटी, बस ओला लागू करे के बाद कर्मचारी मन का हाथ है भाई, जिन देश में जिन महंगाई भत्ता की जिन व्यवस्था है वो व्यवस्था लागू करे के बाद कहा जाते, एमा अड़चन कहाँ है? तिवारी जी का सबसे पहले बहुत बहुत आभार जताए बर, हम सरकार ऊपर भरोसा जताए बर, धन्यवाद देता हूँ तिवारी जी, आप पल्ला तो कर्मचारी पल्ला, साथ ही आश्वासन देता हूँ, आप पल्ला विश्वास देता हूँ, आश्वासन नहीं है विश्वास देता हूँ कि जैन जायज मांग आप मन के है एक बार सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम निर्देश दे है, एमा बहुत जल्दी जैन योग्य और जैन जायज मांग आप मन के हुई भंसाली जी के वही पेज एक बार भरोसा है, हम भी चलो यही यकीन करबो कि भरोसा होगा, उनके मत टूटा कर्मचारी, उनके भरोसा मत टूटा। ठाकुर साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखो ये प्रदेश के मैं पहली बोले छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी है मुख्यमंत्री होकर ढोंग रचा वो सफेदा वाले मुख्यमंत्री है, कर्मचारी मन के सब अधिकार में सफेदा लगा दे, एक सफेदा लगा के कूट रचित राजनीति के पैदा, ये बात समझने की आवश्यकता है, यह कर्मचारी नेता नहीं है, और ये छत्तीसगढ़िया मतलब बताई थी मना जी, अरे अब छत्तीसगढ़ मतलब बताई थी, छत्तीसगढ़ में जय प्रकार सिंह है कर्मचारी मल्ला सफेदा लगा के प्रभुतिया बना दे, ये बल्ला बैरल बैरल आरोप प्रत्यारोप के समय मोर करा बीत चुके हैं। बात ये सबसे बड़ी बात ये जिन हमार प्रशासन जिन आपके सरकार की योजना जिन आपके सरकार की नीति मतलब चलाते जिन मतलब अमली जामा पहनाते जिन वहां पे मैदानी स्तर तक पहुंचाए के काम आपके योजना मन के फलीभूत करे के काम कर्मचारी मन करते, ये कह सकते हैं हम कि आपके सरकार के रीढ़ की हड्डी है वो कर्मचारी मन, आज कहीं ना कहीं अगर नाखुश है तो जिम्मेदारी एक अभिभावक के रूप में सरकार के बनते। ठीक है, हम नितिन भंसाली जी एक बात मान ले कि संवेदनशील सरकार है, वादा पूरा करी, गंभीर सरकार है, लेकिन जो आप धैर्य रखे बात करें कहीं ना कहीं 4.5 साल धैर्य रखे हो मना एक लंबा समय होते, अब जरूरत है कि वाकई में संवेदनशीलता से गंभीरता पूर्वक वो कर्मचारी मन के मांग माने जाए, ताकि अब वो समय नहीं बचे है कि अब ओकर उनके हड़ताल में जाया जाए, हड़ताल में अब जाए सारा तमाम व्यवस्था चौपट हुई और ओकर जिम्मेदारी भी सरकार के ही बनी।
एकर रहती जरूरत है जल्द से जल्द निर्णय लेके हम वो नहीं भरोसा करबो कि अगर संवेदनशील सरकार है तो जल्द से जल्द कर्मचारी मन के हित में कोई निर्णय ले। आप सभी पवन के बहुत बहुत धन्यवाद। ये शोन स्वामी कल नवा विषय साथ तिरमुल।